सेंट मैरी पब्लिक स्कूल के एनुअल फंक्शन 14th एनुअल फंक्शन में यहाँ पर पहुंचे, मैं शुभकामनाएं देता हूँ स्कूल की सभी मैनेजमेंट को और स्कूल के सभी छात्रों को, विशेष रूप से डॉक्टर थॉमस जॉर्ज जी को, प्रिंसिपल बहन मिसेस डेजी थॉमस जी, वाइस प्रेसिडेंट टर्लिन जी, एडमिनिस्ट्रेटर ए डी एलेक्स जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई प्रताप तंवर जी, यहाँ के निगम पार्षद भाई उमेश जी, मेरे साथ आए समाज के सेवा के कार्य में लगे रहते हैं भाई महावीर यादव जी, अमल जी, उपस्थित सभी सम्मान के योग्य अभिभावक बंधुवर वे बहने, दुनिया के अंदर भारत जब आजाद हुआ तभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, पढ़ो तो आगे बढ़ो। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो इस स्कूल की फाउंडेशन जो 40 साल पहले मदनगिर से निकल के आकर यहाँ पर, और यहाँ के गरीब बच्चों के लिए, रूरल बैंड के बेटी बेटियों के लिए पढ़ाने के लिए वो कार्य है 40 साल पहले प्रारंभ कर दिया था। तो एक भारत की जनरेशन को सही मार्ग पर लाने का जो काम होगा वो सबसे पहले एजुकेशन के माध्यम से ही होगा। एजुकेशन के साथ साथ अभी बच्चों का चल, मेरी मजबूरी है कि मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है, लेकिन बच्चों का, उन परिवारों के, सामान्य परिवार के बच्चों का जो नृत्य हमने यहाँ पर देखा है, वो इस बात को साक्षात करता है निश्चित रूप से कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक बार दिल से पत्थर तो उछालो यारो। तो ये बात इस स्कूल के यहाँ पर इस प्रोग्राम में, ऑडिटोरियम में इन बच्चों ने साबित कर दिया कि सामान्य परिवार के बच्चे भी अगर उनको प्रैक्टिस कराने के बाद उस ध्येय की तरफ ले जाने का प्रयास किया जाए तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो विशेष रूप से जॉर्ज साहब आपको, आपकी सभी मैनेजमेंट कमेटी को इस बात के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि भारत के राष्ट्र के निर्माण में एजुकेशन का जो सबसे बड़ा महत्व है, हम लोगों को जानकारियां, हम लोगों की जनरल नॉलेज, हम लोगों को पथ पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो मंजिल तक कैसे पहुंच पाएंगे, और ज्ञान ना होने के कारण मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे तो लोग अपने अधूरे सपनों को लेकर और अपने मन को मारकर चले जाएंगे। तो ऐसा हमारे यहाँ पर एजुकेशन की दृष्टि से जो दिल्ली राजधानी में मजदूर वर्ग, बाहर के लोग और जो रोजी रोटी की तलाश में भी आए हैं, वो प्रोफेशन रोजगार उसके लिए आए हैं, दिल्ली जा रहे हैं तो बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन देकर, हम अच्छी शिक्षा देकर कुछ आगे बढ़ाने का काम कर सके, इस सपने को लेकर आए हैं। उनके सपनों को सहयोग करते हुए आप और नॉमिनल अन्य जो पब्लिक स्कूल यहाँ पर चल रहे हैं देश के अंदर, दिल्ली के अंदर विशेष रूप से प्रोफेशन के आधार पर चल रहे हैं और प्रोफेशन के आधार पर बिजनेस के रूप में चल रहे हैं। यूं तो आजकल अस्पतालें भी बिजनेस के रूप में काम कर रही हैं, लेकिन सेंट मैरी स्कूल से लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि नॉमिनल फीस, नॉमिनल से तो ये ही कह रहा हूँ कि बिल्कुल फीस नहीं है, बट और कंपेयर करेंगे तो सही मायने में देश के बच्चों को, जनरेशन को वो दिशा देने के लिए काम कर रहे हैं, उनके भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगी के रूप में सेंट मैरी स्कूल काम कर रहा है। तो मुझे भी आप लोगों ने इस अपने एनुअल फंक्शन के अंदर बुलाया, इसके लिए मैं आपका भी आभारी हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि और मंजिलों को छूते हुए स्कूल और प्रगति के पथ पर आप सबके लगन के साथ आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।